कुंडलिनी वह रहस्यमय शक्ति है जो व्यक्ति के शरीर में सूक्ष्म रूप में व्याप्त रहती है। कुंडलिनी की प्रकृति कुछ ऐसी है कि जब यह शांत होती है तो आपको इसके होने का पता भी नहीं होता, और जब यह गतिशील होती है तब आपको पता चलता है कि आपके भीतर इतनी शक्ति भी है। इसी वजह से कुंडलिनी को सर्प के रूप में भी चित्रित किया जाता है। अगर आपकी कुंडलिनी जागृत है तो आपके साथ ऐसी चमत्कारिक चीजें घटित होने लगेंगी जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कुंडलिनी जागृत होने से ऊर्जा का एक पूरी तरह से नया स्तर जीवंत होने लगता है और आपका शरीर और बाकी सब कुछ भी बिल्कुल अलग तरीके से काम करने लगता है। मनुष्य के शरीर में कुल मिलाकर 114 चक्र होते हैं। वैसे तो शरीर में इससे कहीं ज्यादा चक्र हैं, लेकिन ये 7 चक्र मुख्य होते हैं। हमारे शरीर के 7 चक्र मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, इन्हें सृष्टि की समस्त शक्तियों का केंद्र माना जाता है। आपके शरीर में ये मौजूद 7 चक्र ऊर्जा के केंद्र हैं और ये भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए जाने जाते हैं। जब ये चक्र कभी भी असंतुलित हो जाते हैं तो वे आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। प्रत्येक चक्र एक शरीर के अंग और उसके कार्यों से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में हम आपको मूलाधार चक्र की संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताएंगे और अंत में मूलाधार चक्र को जागृत करने की विधि और इसे संतुलित करने के 5 योग आसन के बारे में भी बताएंगे। जैसे किसी इमारत की बुनियाद सबसे महत्वपूर्ण होती है, उसी तरह मूलाधार सबसे महत्वपूर्ण चक्र होता है। अगर आपका मूलाधार मजबूत हो तो जीवन हो या मृत्यु आप स्थिर रहेंगे, क्योंकि आपकी नींव मजबूत है और बाकी चीजों को हम बाद में भी ठीक कर सकते हैं। मूल चक्र का संस्कृत नाम मूलाधार है, जो मूल और आधार से मिलकर बना है, यानी मूल मतलब जड़ और आधार मतलब नींव। जैसा कि नाम से पता चलता है कि मूलाधार संपूर्ण चक्र प्रणाली का आधार है, इसलिए नींव पर ही सभी चक्र स्थित हैं। इसलिए अपनी पूरी क्षमता को विकसित करने के लिए इस चक्र को सबसे पहले जागृत करने की आवश्यकता होती है। मोह, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, कामुकता, प्रजन एवं माया इसी चक्र के प्रभाव के ही अंतर्गत आते हैं। स्वास्थ्य, बल, बुद्धि, स्वच्छता तथा पाचन शक्ति भी इसी चक्र से संबंधित है। शरीर की धातुओं, उपधातुओं एवं चैतन्य शक्ति को इसी चक्र से बल मिलता है। शारीरिक मलिनता का इस चक्र की अशुद्धि से सीधा संबंध है, तथा सांसारिक प्रकृति और चैतन्यता का मूल यह चक्र मनुष्य के देवत्व की ओर किए जाने वाले विकास का आधार है। मूलाधार चक्र सुषुम्ना मूल में गुदा से 2 अंगुल आगे एवं उपस्थ से 2 अंगुल पीछे सीवनी के मध्य में स्थित होता है। मूलबंध लगाते समय इसी प्रदेश को पैर की एड़ी से दबाया जाता है, जिससे नीचे की ओर चलने वाली अपान वायु का यह मुख्य स्थान होता है। इसका संबंधित लोक भूलोक है, तथा पंच महाभूतों में यह पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। मूलाधार चक्र को 4 पंखुड़ियों वाला एक कमल के रूप में सांकेतिक किया जाता है। ये चारों मन के 4 कार्यों, मानस, बुद्धि, चित्त और अहंकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस चक्र का तत्व बीज मंत्र लम है, जो इसकी बीज ध्वनि का सूचक है। कमल दल ध्वनिया वम, प्लावी शम, मूर्धन शम और दंती सम हैं, जो इसकी पंखुड़ियों के अक्षर हैं। इसके तत्व बीज का वाहन ऐरावत हाथी है, जिस पर इंद्र विराजमान हैं, जो इसकी सामने की ओर की बीज गति को दर्शाता है। इस चक्र के अधिपति देवता चतुर्भुज ब्रह्मा हैं और उनकी शक्ति चतुर्भुज डाकिनी भी साथ में रहती हैं, जो चक्र की शक्ति की सूचक है। इस चक्र के अधिकारी गणेश हैं तथा इसका बीज वर्ण स्वर्णिम है।
इस चक्र पर ध्यान के समय प्रयुक्त होने वाली मुद्रा में अंगूठे तथा कनिष्ठा अंगुली के सिरों को दबाया जाता है, जिसके प्रभाव में चैतन्य का मानवीकरण होता है। ध्यान के समय जब मूलाधार की तत्वबीज ध्वनि लम का शुद्ध रूप से बार बार उच्चारण किया जाता है, तो लम उच्चारण से उत्पन्न होने वाली विशेष तरंगे मूलाधार की नाड़ियों को उत्तेजित करती हैं तथा मस्तिष्क को तरंगित करती हैं। जब मनुष्य के अंदर मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है, तो अपने आप ही उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है तथा व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत हो जाता है। जिस तरह व्यक्ति के अंदर मूलाधार चक्र के जागृत होने से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, उसी तरह इसके असंतुलित होने से नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। मनुष्य तब तक पशुवत है जब तक कि वह इस चक्र में जी रहा है, इसीलिए भोग, निद्रा और संभोग पर संयम रखते हुए इस चक्र पर लगातार ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। इसको जागृत करने का दूसरा नियम है यम और नियम का पालन करते हुए साक्षी भाव में रहना और इस प्रणाली को अपनाना। सबसे पहले आराम से बैठ जाएं तथा इसके बाद अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने ध्यान को अपने गुदा और जननेन्द्रियों के बीच के स्थान पर केंद्रित करें। फिर अपनी तर्जनी उंगली और अंगूठे के साथ एक वृत्त बनाएं। इसके बाद हथेलियों को अपने घुटनों पर आकाश की ओर देखते हुए हाथों को विश्राम कराएं। फिर गहरा श्वास लें और छोड़ दें। इस तरह 7 से 10 बार श्वास लेते हुए दोहराएं। आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगेगी। मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी के निचले भाग यानी कि पैर, घुटने और मानसिक सेहत आदि से जुड़ा हुआ है। इनके असंतुलित होने पर मूलाधार चक्र की शक्ति कम होने लगती है। इसे संतुलित करने के लिए 5 तरह का योग आसन किया जाता है, जिसमें से आप किसी एक आसन को पूरा करके मूलाधार चक्र को संतुलित कर सकते हैं। पहला है ताड़ासन। यह संस्कृत शब्द ताड़ के साथ आसन को मिलाकर बना है। ताड़ासन योग को खड़े रहकर किया जाता है तथा इसको योग आसनों की नींव माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस योग को करते समय शरीर पर्वत के समान सीधा और स्थिर रहता है। मूलाधार चक्र पृथ्वी से जुड़ा हुआ है और ताड़ासन करते समय शरीर का सारा भार पैरों के माध्यम से पृथ्वी की ऊर्जा को महसूस करता है। इस आसन में पैरों के साथ पूरे शरीर में एक प्रकार से खिंचाव होता है, जो पैरों की मांसपेशियों को आराम देता है। इनके संतुलन होते ही मूल चक्र भी संतुलित होने लगता है। दूसरा है मालासन। यह भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें माला का अर्थ हार और आसन का अर्थ मुद्रा होता है। यह आसन व्यक्ति को पृथ्वी के करीब ले जाता है, मन को शांत करता है और कमर के निचले हिस्से और कूल्हों को सहारा देता है। तीसरा है जानुशीर्षासन। यह आसन 2 संस्कृत शब्द जानु और शीर्ष के मेल से बना है। जानु का मतलब घुटना और शीर्ष का मतलब सिर होता है। यह आसन मूल चक्र के आसपास के तनाव को दूर करने में मदद करता है। इस आसन को करने से व्यक्ति के पीठ के निचले हिस्से से लेकर हैमस्ट्रिंग तक काफी राहत महसूस होती है। नियमित रूप से जानुशीर्षासन करने से कंधे, पैरों और पेट की मांसपेशियां मजबूत होती है तथा यह पैरों के दर्द में भी राहत दिलाता है। चौथा है वीरभद्रासन। यह एक मजबूत आसन है जो पृथ्वी और शरीर के बीच मजबूत संबंध बनाता है। यह योग मुद्रा पूरे शरीर को गतिशीलता प्रदान करती है तथा चक्र को सशक्त बनाती है। यह व्यक्ति के पैरों को शारीरिक रूप से मजबूत करता है। यह आसन व्यक्ति के कूल्हों को खोलता है और घुटनों और पीठ के निचले हिस्से को ताकत प्रदान करने में मदद करता है। पांचवा आसन है सेतु बंधासन। यह एक ऊर्जावान मूल चक्र योग मुद्रा है जो आपके पैरों को पृथ्वी में मजबूती से स्थापित करती है और आपकी रीढ़ को अत्यधिक मात्रा में मूलाधार चक्र ऊर्जा को मुक्त करने के लिए प्रेरित करती है।
सेतु बंधासन गले के चक्र को भी उत्तेजित करता है। अपने असंतुलित चक्र को संतुलित करने के लिए मेरे द्वारा बताए सरल आसनों को अपने दैनिक जीवन में शामिल कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल निरोगी बना सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।